लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में अब पार्टी प्रभारियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जहां रजनी पाटिल के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रहते, ना तो कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी फूट को दूर कर पाने और ना ही लोकसभा सीट को जीत पाने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता विकास ठाकुर ने विधानसभा चुनाव हारे भाजपा नेताओं को लोकसभा में जीत का दावा न करने की नसीहत दी है। 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर बयानबाजी का दौर जोरों पर है। प्रदेश की सियासत में जहां चुनावी मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं, तो वहीं अब पार्टी प्रभारी को लेकर सियासत होने लगी है। अपने बिलासपुर दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल पर एक बड़ा बयान दिया है। सतपाल सत्ती का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि रजनी पाटिल चाहें भी तब भी गुटबाजी खत्म नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही सतपाल सत्ती ने दावा किया कि रजनी पाटिल के प्रभारी रहते आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। सत्ती का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यों के बूते इस बार फिर चारों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार ही जीतेंगे। किस तरह कांग्रेस के नेताओं के मंचों के ऊपर लड़ाई हुई है, किस तरह से वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस के नेताओं को मकर झंडू तक की संज्ञा दी है, और जब तक हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं हटता, वीरभद्र सिंह का कहना कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और सत्यानाश हो गया हिमाचल में कांग्रेस का, ऐसा वीरभद्र सिंह जी कहते हैं जब से सुक्खू जी बने। तो ये अच्छा है, बढ़िया भाषा बोल रहे हो, अच्छा काम चल रहा है कांग्रेस का। और रजनी पाटिल जी भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दिला पाएंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊपर मोदी जी का बहुत बड़ा कर्ज है, जिन्होंने हमारे लिए इतनी इंस्टीट्यूशन दिए हैं, हिमाचल प्रदेश के 69 नेशनल हाईवे दिए हैं, जयराम जी की गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे योजनाएं लागू की हैं। तो हम सब लोग हिमाचलवासी एहसान फरामोश नहीं है, मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को जो दिया है उसका पूरा कर्ज हिमाचल प्रदेश उतारेगा और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को देंगे। उधर रजनी पाटिल पर दिए गए सतपाल सत्ती के बयान पर पलटवार करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास ठाकुर ने कहा कि सतपाल सत्ती सहित कई भाजपा नेता अपने ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार चुके हैं, तो वो लोकसभा की बात ना करें तभी ठीक है। साथ ही विकास ठाकुर ने प्रभारी रजनी पाटिल के कार्यकर्ता सम्मेलनों के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह होने की बात भी कही। आज की तारीख में जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बैठे हैं, चाहे सतपाल सत्ती जी हों, चाहे उनसे लेकर आप रणधीर शर्मा जी तक ले लें, ये सभी के सभी अपने भी चुनाव हार चुके हैं। और जो लोग अपना ही चुनाव हार चुके हैं वो पार्टी को अब लोकसभा में क्या जीत दिलवाएंगे। और आने वाले समय में आज की तारीख में जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा हमीरपुर चुनाव क्षेत्र में जो हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और ये जो कार्यक्रम हमारे प्रभारी के यहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर उसमें इकट्ठे होकर सामने आ रहे हैं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।